जौनपुर विकास खंड के थथियूड में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था, जिसका आक्रोश टिहरी थथियूड से होते हुए मसूरी तक आ पहुंचा है। मसूरी में भारतीय दलित संहिता अकादमी के अध्यक्ष सुनील सोनकर के नेतृत्व में बाबा भीमराव अंबेडकर चौक पर सामाजिक, राजनैतिक एवं शहर के कई सम्मानित लोगों ने निंदा जताते हुए अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने को लेकर धरना दिया। उनका कहना है कि अगर 7 दिन के अंदर अपराधी गिरफ्तार नहीं हुए तो सभी मिलकर उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। बहुत ही अशोभनीय घटना, जो एक राष्ट्रीय जो धरोहर है और एक राष्ट्रीय जो हमारे नेता है, संविधान के निर्माता, उनकी मूर्ति के साथ छेड़छाड़ की गई, स्टैचू के साथ थथियूड में, जो बहुत ही निंदनीय घटना है। इस पे मैं भी अनुरोध करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, इसका संज्ञान लें और ऐसे लोगों को तो उसकी जांच हो और उनको कड़ी से कड़ी इसकी सजा हो। बाजार में प्रतिमा थी, उसके साथ जो असामाजिक तत्वों के द्वारा छेड़खानी की गई, उसकी मसूरीवासी, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे वो दलित साहित्य के लोग हों, सब ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में बैठकर ये सौगंध खाई है कि जब तक सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी जिनके द्वारा ये कुकृत कार्य किया गया है और उन्हें सलाखों के पीछे नहीं भेजेगी, तब तक हम सब लोग संयुक्त मोर्चा बनाकर पुनः इसी तरह बैठकर इस कार्यक्रम को आगे बनाएंगे। थथूड़ में जो बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के साथ जो छेड़छाड़ की गई है और जो क्षतिग्रस्त यहां पर उसको की गई है, उसकी भारतीय दलित साहित्य अकेडमी घोर निंदा करता है। जिन्होंने भी इस मूर्ति के साथ यहां पर छेड़छाड़ करी है, उनकी तत्काल अविलंब यहां पर कार्रवाई हो। अगर 7 दिन के अंदर उन लोगों को जेल के पीछे नहीं किया जाता तो हम सब लोग मिलकर, चाहे हमारा संगठन हो, चाहे जितनी भी राजनीतिक पार्टी हो, वो सड़कों पर उतरेगी। देवभूमि न्यूज़, मसूरी।